रामनवमी को लेकर राजधानी रांची राममय हो गई है। ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। हाथों में बजरंगी झंडा और सिर पर राम का नाम लिए भक्तों की भीड़ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए घंटों लाइन में खड़ी है। तपोवन मंदिर के बारे में मान्यता है कि रामनवमी के अवसर पर यहां ध्वज पूजन के बाद घर पर ध्वज फहराने से परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। यही कारण है कि यह लंबे समय से यह परंपरा चलती आ रही है। इस मौके पर कई श्रद्धालु इस मंदिर में तलवार की पूजा अर्चना करते भी नजर आए। इस खास मौके पर इनसाइडर की टीम तपोवन मंदिर पहुंची और वहां का जायजा लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं शोशी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मदिन है, आज रामनवमी है, जिसे लेकर आज मैं पहुंच चुकी हूं रांची के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में, जहां पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि यहां पे राम भक्तों की भीड़ दिख रही है। पूरा माहौल राममय हो गया है, हर एक जन दूर दूर से आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे ध्वज लिए हुए आप राम भगवान की पूजा करने आए हैं, कैसी कुछ तैयारी है, क्या कहना चाहते हैं? क्या होने वाला, अच्छा लगता है राम जी का? नहीं, नहीं, बस आस्था है भगवान का, पूजा बजरंग बली का करने का, वही आए हैं। क्या कुछ तैयारी चल रही थी बीते दिनों? बस जल्दी जल्दी आए और पूजा हो जाए, बस उसी की तैयारी थी। तो विजुअल में आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे राम भक्त हैं वो आज यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। वही आप दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते नजर आते हैं, हाथों में तलवार लिए तलवार की पूजा अर्चना करते हैं। आपके हाथ में तलवार है, आप ये तलवार देख सकते हैं कि इस तलवार का ही पूजा अर्चना होता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? आज रामनवमी है, एक बहुत खास दिन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस दिन के बारे में और क्या कुछ तैयारी थी आप लोग की? बस हम लोग पूजा करने आए हैं, पूजा कर रहे हैं। आज रामनवमी है, आपके हाथ में कृष्ण लल्ला की मूर्ति दिख रही है, क्या कहना चाहते हैं रामनवमी के अवसर पर? रामनवमी के अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से बढ़ करके कहीं ऐसा अच्छा नहीं होता, और हमारे कन्हैया को भी यहाँ देखने का मन था, इसलिए हम आए यहाँ दिखाने के लिए। और ये क्या कह सकते हैं, यहाँ के बारे में कुछ क्या बोलें, यहाँ इतना अच्छा होता है कि लोगों का भीड़ लगा रहता है। हर साल आते हैं आप लोग? हर साल हम लोग आए हैं। अच्छा, आपके कान्हा जी लाए हैं, आप कान्हा जी को भ्रमण करने लगे? हाँ, कान्हा जी को यहाँ देखने का मन था, ये बोले हम झट से निकले। मतलब हर साल आते पहले? नहीं, ये हमारे पास एक साल पहले आए हैं दुर्गा पूजा के समय। आज हमको ये बोले कि हमको तपोवन मंदिर देखने का मन है, तो हम लोग इनको लेके आए हैं। जी बिल्कुल, आज आप देख सकते हैं हर जगह पे पूरा माहौल राममय है, और जहाँ हम अगर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम की बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक परिवार यहाँ पे पूजा अर्चना करते नजर आ रहा है, सेल्फी खींचते नजर आ रहा है, ध्वज लिए तलवार लिए एक दूसरे भगवान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तलवार की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब आज आप लोग तलवार की पूजा भी किए हैं, आज रामनवमी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहें, आज पूजा रामनवमी का पर्व है, ये हर साल की बात इस साल भी होती है। जैसे राम भूमि का अयोध्या में जैसे हुआ, उसी प्रकार से सब जगह दिया भी जलाया जाता है, और ये राम भूमि, ये राम अयोध्या का भी निर्माण के प्रति भी प्रतिष्ठा, प्रेरणा भाव, स्नेह सबके मन में उभरता है, यही कहना चाहेंगे। आज तलवार की भी पूजा की है आपने, बहुत आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि ये तलवार की पूजा की जाती है, क्या महत्व होता है अस्त्र शस्त्र का पूजा का? महत्व यही है कि जैसे विद्वानों लोग का कहना है कि ये हम लोग का प्रतिष्ठा से, मतलब स्टार्टिंग से ये चली आ रही है ये पर्व। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग राम, जब श्री राम वनवास करके आए थे तो उसके प्रति दिया भी जलाया गया था, और भी बहुत सारी नियम अर्चना पूजा और भी धारणा है, मैं ही पर अपना वाणी को विराम देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ ये तपोवन मंदिर है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि
राजधानी रांची के धुरवा स्थित इस बार सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग पूजा अर्चना करके अब प्रसाद का वितरण हो रहा है। यहाँ पे हम पंडित जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन का जो महत्व है उसको हम किस रूप में देखते हैं। आज रामनवमी है, दर्शकों को आज के दिन का महत्व थोड़ा बताइए पंडित। जय सियाराम, रामनवमी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देश एवं प्रदेश के सभी राम भक्तों को। रामनवमी के दिन ही हमारे वेद और पुराण और शास्त्र कहते हैं भगवान श्री सीताराम प्राकट हुए थे, और भगवान राम का प्राकट का जो कारण है, अनेकों कारण रहा, संसार के कल्याण के लिए भगवान आए। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जगत के कल्याण के लिए ये प्राकट का आना और जाने का जो विधि है वो करते हैं, और रामा अवतार एक ऐसा अवतार हुआ जिसमें भगवान मनुष्य का प्रारूप, जो मनुष्य का दैहिक गुण है वो सभी गुण उन्होंने पालन किया कि वनवास में रोना पिलखना हर प्रक्रिया, तो मानव सम्मूल मानव जाति को भगवान राम के चरित्र का पालन करना चाहिए। रामनवमी का विशेष महत्व यही है। तपोवन मंदिर एक बहुत पुरानी मंदिर है, लंबे समय से यहाँ पे भगवान श्री राम की पूजा अर्चना होती है, कि ऐसा माहौल रहता है रामनवमी के दिन यहाँ 1929 से जो माहौल आज देख रहे हैं, पूर्व में 10 लोगों के द्वारा शुरुआती में 4 लोग से रामनवमी जुलूस का शुरुआत हुआ, और रामनवमी से तपोवन मंदिर और महावीर मंदिर महावीर चौक जुड़ा। उसके बाद से दिन प्रतिदिन, चूँकि उस समय काल में रांची में गिनती के 4 मंदिर ही थे, जैसे तपोवन, जगन्नाथपुर चुटिया राम मंदिर और मेन रोड में काली मंदिर, बाकी अन्य कोई मंदिर रांची में नहीं था, तो भक्तों में तपोवन के प्रति जो अपार श्रद्धा थी वो कुछ और था, और उसी से रामनवमी का जो झंडे का जुलूस का जो शुरुआत हुआ ये तपोवन से लगा हुआ। और आज के दिन में तो हर चौक चौराहे पे मंदिर हैं, पर जो प्राचीन है और जिस जहाँ लोगों का आस्था जुड़ जाता है वहाँ लोग चाहे कोई कुछ भी कर ले, वहाँ बिना आए लोग नहीं मान सकते। तो जैसे कि आपने देखा कि बड़े लंबे समय से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने। अभी भी आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि अभी भी यहाँ पे ये तपोवन मंदिर का श्री राम मंदिर है, जहाँ पे लोग लंबे समय से पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। यहाँ पे दूर दूर से इस तपोवन मंदिर में लोग पूजा अर्चना करते हैं, बड़ी बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों पूजा अर्चना कर रहे हैं, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर एक वर्ग के लोग यहाँ पे आए हैं और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। आज रामोत्सव है, आज श्री राम जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, सभी देशवासियों को जय श्री राम। और आज का दिन मतलब समझ लिए कि एक तो अपने रामलला जी विराजमान हो गए हैं, मतलब एक महल में आ गए हैं, जिससे हम लोग इतना खुश है। आज जो पूर्वज लोग का जो इतना बलिदान, ये सब अब आने वाला पीढ़ी लोग को हम लोग ये चीज़ बताएंगे तो बोलेंगे पापा राम मंदिर। अभी हाल फिलहाल में फरवरी के आसपास में हम लोग गए थे अयोध्या, जो ये बहुत सौभाग्य का बात था, इतनी सुंदर व्यवस्था, रामलला का करीब से जो दर्शन किए हैं मन प्रफुल्लित हो गया। और हम तो सभी को ही कहेंगे एक बार जरूर जाइए, आप समझ लीजिएगा कि जितना आपका मन में जितना चिंता ना सारा दूर हो जाएगा। ये एक बहुत
खास बात है कि इस बार हमारे राम लल्ला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। इस खास मौके पर अधिवक्ता धीरज जी भी यहाँ पे मौजूद है। धीरज जी, आज बहुत ही खास दिन है, आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, क्या कहना चाहते हैं? रांची का माहौल कैसा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग राम जी के कृपा से ही आज जो भी हैं, तो राम का तो अपना एक अस्तित्व है और उनकी आज नवमी है, आज राम नवमी हम लोग मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है और गर्व की भी बात है। हम सभी आज एक हो करके इस राम के दिए हुए उपदेश को, राम के दिए हुए संस्कार को हम लोग आगे बढ़ाएं और देश को अक्षुण रखें, एकता बरकरार रहे, यही सद्भावना बनी रहे, यही हम सबकी कामना है। और इसी कामना के साथ मैं रामनवमी पर्व की सबको शुभकामना देता हूँ। मेरा जन्म यही हुआ है, मैं तपोवन मंदिर में ही रहती हूँ और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरा उत्साह एक अलग लेवल पे जा पहुँचा है। हर बार रामनवमी आता है लेकिन हर बार कुछ नया फील होता है। यहाँ रहते हुए बस यही समझ आया कि हर वर्ष जितना भी उत्साह मिले उतना ही कम पड़ता है, हर वक्त सुबह से थके हुए पर, बट अभी तक हमारी एनर्जी कम नहीं हुई है। और मैं क्या बोलूँ, सबसे बस यही निवेदन है कि सब राम भक्त बने रहे, लाइफ में सब अच्छा चलता रहेगा। धन्यवाद। देखिए, अनलाइक हम लोग का जो प्रीवियस जनरेशन था वो भगवान लोग को बहुत मानते थे, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हो गए, लेकिन आजकल का जनरेशन इज़ ऑल शो ऑफ। सिर्फ सोशल मीडिया पे वो लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी है जो सिर्फ ऐसे हिंदुइज्म को प्रमोट करेंगे, लेकिन रियलिटी का जब बात आएगा तो फिर उनको हनुमान चालीसा नहीं आता है। तो वही एक स्टेप एड लेना चाहिए, रियल इन्फ्लुएंसर्स को आपको और इनहांस करना चाहिए इन ऑर्डर फॉर आवर जनरेशन टू कीप बेटर।